अभिनंदन करती हूँ, आई वेलकम यू, आई हार्टली हार्टली वेलकम, आई जस्ट आई वांटेड टू वेलकम यू फॉर दिस सेशन ऑन द विद द टॉपिक ऑफ वीडियो रिसोर्सेज. सो जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस यू, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट सर हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एनसीईआरटी. ही वाज प्रीवियसली हेड डिवीजन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एन आई ई, and he had also developed many online courses. He has designed many online courses on maybe you also have attempted that course of action research. So that action research course in education technology, that was also designed and developed by Professor Pal, and he has organized the first audio conferencing program at CIET NCERT. He is also he had also associated with the first ever video conferencing of NCERT, जो कि बहुत पहले कंडक्ट की गई थी. तो मतलब टाइम कम पड़ जाएगा अगर मैं सर के अचीवमेंट्स काउंट करती रहूंगी, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है सर की. सर आपका बहुत बहुत वेलकम है इस सेशन के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सेशन जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि 10 स्टेट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत लाभदायक रहेगा. तो ओवर टू यू सर, थैंक यू. मैं थैंक यू थैंक गुलशन, यू सर. थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मोस्टली हिंदी स्टेट से हैं, तो हम लोग अगर मिक्स्ड लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ठीक रहेगा। जी सर, ये इज हिंदी इट ओके? स्पीकिंग हाँ स्टेट्स है, बिल्कुल बायलिंगुअल हम कर सकते हैं. जी सर, हाँ बाइलिंगुअल करेंगे। किसी को कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप लोग जहाँ भी चाहें पूछ सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में ही पूछें, लास्ट में भी आपको चांस दिया जाएगा। हालांकि मैं इस सेशन को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मेरी जो कुलीग हैं सीमा भारद्वाज, जो कि यहाँ पे सीआईटी में टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं, वो टेकअप करेंगी। मैं थोड़ा स्टार्ट करके और फिर वो टेकअप करेंगे, और जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जैसा कि ठीक आपको है सर. पता है, गवर्नमेंट जो है 200 टीवी चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है। अभी एनसीईआरटी 12 टीवी चैनल चला रही है, क्लास वन चैनल। सो क्लास 1 से 12 तक 12 टीवी चैनल जो हैं वो हमने पेंडेमिक में स्टार्ट किए थे, और वो अभी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे रिसोर्सेस बना लिए हैं। अब क्योंकि जब 200 चैनल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने जो है प्रोग्राम बनाना है। और उसी कड़ी में ये जो ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप लोग टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उससे थोड़ा सा अवगत हो जाए, ताकि आपको बेसिकली आपको एकेडमिक रोल प्ले करना है जहाँ भी आपको कंटेंट डेवलप करने के लिए। मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है मैं उस पर चलता हूँ। अभी हम देखें कि जो मीडिया प्रोडक्शन है, खास करके टेलीविज़न का, वो दो पार्ट में देखा जा सकता है। आपको सबसे पहले, आपको कोई अगर प्रोग्राम बनाना है तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा, तो पहला जो उसका है आइडिया से स्क्रिप्ट, जो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो कंसेप्ट है, जो परिकल्पना है, जिस विषय पे आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो उसको आपको एक पेपर पे उतारना होता है, जो कि स्क्रिप्ट कहलाती है, जिसको आप पांडुलिपि भी बोलते हैं। तो आइडिया से स्क्रिप्ट एक इसका भाग होता है, और दूसरा भाग होता है स्क्रिप्ट से फिर स्क्रीन तक, यानी उस स्क्रिप्ट को आप प्रोग्राम बना करके और टेलीकास्ट करते हैं। ये मेजर दो जो पार्ट होते हैं मीडिया प्रोडक्शन के। अभी मेरी कुलीग आपको एक दूसरे तरीके से भी इसका पार्टिसिपेशन
जो ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन बताएंगी वो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से, तो अलग अलग तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब आप स्क्रिप्ट बना लेते हैं तो स्क्रिप्ट भी फिर एक प्रोडक्शन स्क्रिप्ट होती है, कैमरा स्क्रिप्ट होती है, तो उसके बारे में वो डिटेल में बात करेंगी। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपके सामने अगर रखूं कि क्या स्क्रिप्ट हमें लिखनी चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं और हम कैमरा के सामने खड़े होकर के जिस भी टॉपिक पे हो हम धारा प्रवाह बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, इस तरह का कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किया हो, नर्सरी ट्रेनिंग करी हो, तो आपको पता है कि क्लासरूम में जाने के पहले आपको एक एक प्रोग्राम, आपको लेसन प्लान बनाना होता है, पाठ योजना बनानी होती है। और पाठ योजना बनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि एक आपको अगर 30 मिनट का क्लास में पीरियड दिया हुआ है तो 30 मिनट के उस पीरियड में आप एक फोकस्ड होकर के उस कंसेप्ट को बताएंगे। उसका कुछ इंट्रोडक्शन होगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ बॉडी होगी, उसके प्रीवियस लेसन के जो हैं वहाँ से आपको लिंक करना है, और लास्ट में जाके आपको कुछ कंक्लूजन निकालना है, और बाद में अगली क्लास के लिए भी आप बताएंगे कि हमने इस क्लास में पढ़ा, अगली क्लास में ये पढ़ा। वही प्रोसेस आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में भी करना होती है। जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, कोई भी स्क्रिप्ट का टाइम पीरियड होना चाहिए क्योंकि मीडिया का टाइम बहुत कीमती होता है। आप देखेंगे जो छोटे छोटे से आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो बड़े 30 सेकंड के हों, लेकिन उनके पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब वो प्राइम टाइम पे आते हैं। तो टाइम के हिसाब से आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो स्क्रिप्ट इज मस्ट। फिर आपको स्क्रिप्ट लिखने के पहले आपको थोड़ी दो तीन चीज़ें देखना है कि आपका मीडिया सिलेक्शन क्या होना चाहिए, मीडिया सिलेक्शन का आधार क्या होना चाहिए। अगर आपको सिंपल लेक्चर देना है तो आपको टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं है, आप रेडियो पे दे सकते हैं क्योंकि रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन में उतने पैसे नहीं लगते, वो इतना कॉस्ट, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है टीवी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें बतानी है जिसमें कि शब्द से बच्चे या टीचर नहीं समझ पाते हैं, आपको उनको विजुलाइज करके दिखाना होता है, तो आपको फिर अकॉर्डिंगली चाहिए। अगर मान लीजिए आपको झाइलम फ्लोएम या साइंटिफिक कोई इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करनी हो तो आपको और फर्दर ऑडियो और वीडियो से आगे जाके आगो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जो भी मीडिया आप सिलेक्ट करते हैं वो, अब आपने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया तो आपको देखना चाहिए कि वो अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं, उसकी वो आपके एक्सेस में है कि नहीं, क्योंकि वो जो भी आप मीडिया सिलेक्ट करते हैं वो उसके प्रोग्राम प्रोडक्शन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ आपके पास हो, फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी भी हो। क्योंकि आपके पास अगर एक अच्छी लेब है, अच्छा स्टूडियो है, लेकिन आपको उसकी परमिशन नहीं है जाने की, तो फिर आपको देखना पड़ेगा फिर वो इकोनॉमिकली कितना कितना वाइबल है, आपके जो बजट है उसमें वो संभव है कि नहीं संभव है। आपने मान लीजिए कि बच्चों को कहीं टूर का आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो वर्चुअल में आप वहाँ जाके टूर बनाओगे या अवेलेबल रिसोर्सेज से यूज़ करोगे, तो आपको वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगी और वो चीज़ें उसके लिए वैलिड भी है कि नहीं है, क्योंकि बच्चों का हर एक का अपना एज ग्रुप होता है। तो जब भी आप मीडिया सिलेक्शन करते हैं तो ये तीन चार चीज़ें आपको उसको ध्यान में रख करके मीडिया सिलेक्ट करना है बिफोर कमिंग टू वीडियो प्रोडक्शन। अब कोई भी जब स्क्रिप्ट बनती है तो स्क्रिप्ट के पहले, जैसे आप में से कुछ लोगों ने अगर पीएचडी करी हो तो पीएचडी का जब प्रपोजल बनता है जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, उसी तरह से स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट की एक सिनॉप्सिस है जिसको हम प्रोग्राम ब्रीफ बोलते हैं मीडिया की भाषा में। तो आपको पहले, अगर मान लीजिए कि आप एक सिंगल प्रोग्राम बना रहे हैं या आप एक सीरीज बना रहे हैं, एक प्रोग्राम के बहुत सारे पार्ट होंगे, तो
मान लीजिए कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर एक सीरीज बनाना चाहते हैं, सीरीज मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो सीरीज का टाइटल क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। मान लो सपोज मैं अभी बात कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी या स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान या हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इस तरह का एक सीरीज टाइटल आपको रखना पड़ेगा। फिर हर एक प्रोग्राम का, उसमें मान लीजिए 10 प्रोग्राम होंगे, तो एक प्रोग्राम में पहला जो प्रोग्राम होगा उसका क्या नाम होगा। मान लीजिए आपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक प्रोग्राम का नाम रख दिया, दूसरे का आपने मान लो कि महात्मा गांधी रख दिया, कि तीसरे का नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया। इस तरह से आपको सीरीज टाइटल और प्रोग्राम टाइटल उसमें बनाना पड़ेंगे। फिर टारगेट ऑडियंस क्या होगा, क्योंकि महात्मा गांधी पर आपको अगर प्रोग्राम बनाना है तो छोटे बच्चों के लिए भी बन सकता है और बड़ी क्लासेस के लिए, एमए के लिए भी बन सकता है। तो वो आपको प्रोग्राम में सारी चीज़ें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोग्राम की एक ड्यूरेशन है। जो अगला पॉइंट जो मेरा लेंथ था, प्रोग्राम लेंथ या ड्यूरेशन, तो आपको ड्यूरेशन के हिसाब से आपका जो है टारगेट ऑडियंस और कंटेंट, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के कुछ आपको ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे, क्योंकि वो ड्यूरेशन और ऑडियंस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव फिक्स होंगे। अगर छोटे बच्चे का प्रोग्राम है तो आपके ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे से होंगे, स्वतंत्रता सेनानियों से उनका परिचय कराना, इस तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। और अगर आपको बड़े बड़े लोगों के लिए, टीचर्स के लिए, टीचर एजुकेटर के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो आपको बताना पड़ा कि महात्मा गांधी की जो शैक्षिक विधियाँ क्या थी, या महात्मा गांधी के फिलॉसफी क्या थी, उनके लाइफ स्टाइल से क्या शिक्षा मिलती है। इस तरह के बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव या छोटे ऑब्जेक्टिव आपको अकॉर्डिंगली निश्चित करने पड़ेंगे। फिर ब्रीफ कंटेंट ऑफ आउटलाइन, उस पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। जैसे आप एक सिलेबस देखते हैं, यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो सिलेबस में आगे लिखा होता है कि इसकी भूमिका है, इसके प्रकार हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो उस तरह से आपको स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक आउटलाइन देना पड़ेगी, ताकि अब जब आप उसको डिटेल में स्क्रिप्ट बनाएंगे तो ये ब्रीफ कंटेंट आउटलाइन आपको काम आएगी और आप उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। क्योंकि कई बार हम फ्लो में लिखते लिखते कहीं किधर भी चले जाते हैं। तो अगर ये आप आउटलाइन आपके हाथ में है, तो आप वो आउटलाइन के सहारे एक बंधी हुई सीमा में जाते रहेंगे। फिर उसके बाद आपको एक सजेस्टेड टिप्स देना है, प्रोडक्शन टिप्स, जो प्रोड्यूसर होगा उसके लिए, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपके लिए, और कोई दूसरा होगा तो कोई दूसरे के लिए। मान लीजिए कि आप महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको साबरमती आश्रम जाकर रिकॉर्डिंग करनी है, या उन्होंने जहाँ पे नमक कानून तोड़ा था उसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके बात करनी है, या महात्मा गांधी की जीवनी कर रहे हैं तो महात्मा गांधी अगर पोरबंदर में पैदा हुए थे तो क्या उनका वो घर दिखाना है। तो इस तरह के प्रोडक्शन टिप्स आपको दे सकते हैं, और आप उसको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके रिकॉर्ड करें, आप डिफरेंट सोर्सेस से, पिक्चर्स, उनके जो भी जीवन से रिलेटेड इवेंट्स हैं और उनके जो रिसोर्सेस हैं वो कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं, वो आपको प्रोडक्शन टिप्स में बताना है। सो अभी मैं सोचता हूँ कि इसके आगे मेरी जो कुलीग हैं सीमा भारद्वाज, वो आपको ज्वाइन करेंगी। गुलशन को बोलना होगा। गुलशन, गुलशन सुन रही है क्या कहीं पर? हेलो हेलो, मैं अभी उनको बोलता जी सर हूँ। बताएं। जी सर मैं सुन रहा हूँ आलोक। गुलशन आप है ना, जो मेरी कुलीग है सीमा, उनको उनको अलाउ कर लिए शेयर करने के लिए, उनकी उनका जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर करेंगी, वो उसको कंटिन्यू जी करेंगी। सर आप सर कर दिया अलाउ। हाँ कर दिया जी है? सर कर ठीक दिया। है ठीक है ठीक है, ओके।
हेलो एवरीवन, क्या पूरा किया वहां पे चीज कर स्टार्ट करें सर। जैसे कि सर ने बताया टीवी के बारे में कि टीवी में प्रोग्राम किस तरीके से बनता है, उसी चीज को मैं थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज कर रही हूँ ताकि वो चीजें इजी हो जाएं और आपको समझने में भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। टीवी प्रोग्राम जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट प्री प्रोडक्शन, सेकंड प्रोडक्शन एंड थर्ड जो है पोस्ट प्रोडक्शन। जो फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्शन का वो आता है प्री प्रोडक्शन। तो व्हाट इज प्री प्रोडक्शन में सर ने काफी चीजें उसमें क्लियर करी हैं कि हमें किस तरीके से अपना मीडियम फाइंड आउट करना चाहिए, किस तरीके से हमें बजटिंग और हमें कहाँ शूट करना है, ये सब चीजें। तो वो सब पार्ट जो आता है प्री प्रोडक्शन का, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाने की सोचते हैं या डिसाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर ने बताया कि स्क्रिप्टिंग मस्ट है, कि स्क्रिप्ट होनी चाहिए हर चीज की। तो जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट के बाद हमारा पार्ट आता है कि हम किस तरीके से अलग अलग जो है कास्ट फाइनलाइज करें या अपने जो भी एक्टर या एंकर या एक्सपर्ट हैं उस चीज के लिए फाइनलाइज सीमा मैम, करें। सपोज हम कोई बच्चों से रिलेटेड शो कर रहे हैं तो हमें चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए, तो चाइल्ड आर्टिस्ट का ऑडिशन लेंगे, ये सब चीजें फाइनलाइज करेंगे इसमें प्री प्रोडक्शन के पार्ट में। प्री प्रोडक्शन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फिल्म को बनाने के लिए, किसी भी एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए। कुछ भी चीज जो टीवी पे आती है, अगर आपका प्री प्रोडक्शन प्रॉपरली हुआ है तो आपको प्रोडक्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ कुछ इसी तरीके से, जैसे प्लीज कि हम अपने घर में कोई प्रेजेंटेशन रेसिपी को बनाते हैं स्लाइड और शो हमारे अगर मोड में हमारे करते माइंड में हैं। ये चीज क्लियर है कि हमें क्या बनाना है तो हम उसको इजीली कुक कर लेंगे। उसी तरीके से तो प्री प्रोडक्शन में हमारे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, लोकेशन का सिलेक्शन करना कि हमें शूट कहाँ करना है, स्टूडियो बेस्ड रखना है या हमें आउटडोर करना है, या फिर हमें शूट जो है अपना किसी आउटडोर में करना है, या फिर हमें कहीं स्कूल का बैकग्राउंड चाहिए, या फिर हमें चाहिए मतलब कुछ भी आउटडोर लोकेशन में कहीं भी। और अगर ऐसा नहीं है, कई जगह हमारे सेट डिजाइन भी होते हैं इसमें, तो प्री प्रोडक्शन में हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि अगर हमें पर्टिकुलरली किसी शो के लिए कोई सेट चाहिए तो हमें सेट कैसा चाहिए। जैसे कि केबीसी आप देखते हैं, उसका एक सेट डिजाइन होता है अलग तरीके से, पूरा उसमें दिखाया जाता है कि मतलब केबीसी का अलग से एक सेट डिजाइन होता है। वैसे बच्चों के लिए भी अगर हमें कुछ करना है कोई या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड या कोई भी प्रोग्राम ऐसा बनाना है तो उसका थीम बेस्ड जो है उसका सेट डिजाइन होगा, लोकेशन फाइनलाइज होगी, ग्राफिक्स का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि बच्चों से रिलेटेड हम जो भी टेक्सट बुक बनाते हैं उसमें ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ग्राफिक्स किस तरीके से होंगे, कहाँ कहाँ ग्राफिक्स जाएंगे, कहाँ कहाँ पे हम विजुअल लगाएंगे, ये सब चीजें जो है प्री प्रोडक्शन के अंदर डिसाइडेड हो जाती हैं ऑलरेडी। इसके अलावा रिहर्सल होती है, प्री प्रोडक्शन का एक पार्ट है कि उसके अंदर हम रिहर्सल करवाएं। इसके अलावा रिहर्सल के बाद हम प्रॉप्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, किसी भी चीज में प्रॉप्स यूज होते ही हैं, चाहे कोई भी शो हो
उसमें प्रॉप्स कहीं ना कहीं यूज होते हैं, जो भी हम बच्चों के लिए स्पेशली जो हम बनाते हैं उसमें तो जरूरी। अगर सपोज हम कोई माइथोलॉजिकल शो है, पीरियोडिकल शोज हैं, तो उसमें भी अलग अलग चीजें हमें अलग अलग एलिमेंट्स डालने होते हैं कि हमें किस तरीके से शो को बहुत अच्छे से हम स्क्रीन पे दिखा पाए, उसको और रियल किस तरीके से दिखा सकते हैं, ये सब के सब चीजें प्री प्रोडक्शन में डिसाइडेड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें, जैसे सर ने भी इसमें एग्जाम्पल दिया था कि हमें गांधी जी के ऊपर कुछ बनाना है, तो अगर हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सीमा आर्टिस्ट मैम, फाइनलाइज जो करने हैं वो हमें प्री सॉरी प्रोडक्शन टू में ही इंटरव्यू, फाइनलाइज, सीमा मैम, सीमा गांधी जी से रिलेटेड अगर मैम उनसे आप रिलेटेड हमें सुन पा प्रॉप रही यूज हैं? करना है तो चरखा, खादी के जो वस्त्र हैं वो सब चीजें हमें जो भी है वो सारे प्रॉप्स कैटेगरी में आएंगे, वार्डरोब एंड प्रॉप्स कैटेगरी में, ये सब हमें प्री प्रोडक्शन के अंदर ही डिसाइड कर लेना है कि हमें ये चीजें चाहिए, ये हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड है और हमारे को अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही अपनी चीजें जो है फाइनलाइज कर लेनी है, क्या क्या प्रॉपर्टी हमें चाहिए, क्या लोकेशन हमें फाइनलाइज करनी है, क्या चीज हमने स्क्रिप्ट उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट एंड रिसर्च ऑल्सो, क्योंकि कई बार हम माइथोलॉजिकल एंड पीरियोडिकल शोज बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है अक्सर कि आप कहीं पे भी प्लेन का साउंड, जो एरोप्लेन का साउंड, ये सब चीजें नहीं आती, जो आज की चीजें हैं वो चीजें कहीं भी आपको नहीं दिखती, तो उसके लिए भी हमें एक ऐसे जोन में जाना पड़ता है कि जहाँ पे हमें कहीं भी नो फ्लाइंग जोन वाला एरिया हो, जहाँ पे हमें इजिली हम उस चीज को आउटडोर में शूट कर पाए, या हमें अपनी टाइमिंग इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि हमें कोई भी ऐसी चीजें ना दिखें आसपास, या कैमरा से भी हम उस चीजों को कैप्चर करें कि वो चीजें ना दिखें जो आज में है और पास्ट में नहीं थी, तो प्री प्रोडक्शन में ये सब चीजों की बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करना पड़ता है अगर हम आउटडोर में कुछ चीज प्लान कर रहे हैं, स्पेशली पीरियोडिकल शोज, माइथोलॉजिकल शोज, जिनमें आपने कई बार मूवीज में ये चीजें कवर भी देखी भी होंगी, कि कई जैसे भाग मिल्खा भाग, उन सब चीजों में दिखाया गया था कि पोल भी दिख रहा था पीछे, टेलीफोन बूथ का मतलब पोल दिख रहा है, कहीं पर कुछ दिख रहा है, कहीं पर एरोप्लेन दिख रहा है, मतलब बहुत चीजें, तो वो डिस्टर्ब करती हैं उस चीज को, और वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो उस टाइम जोन में ना हो, तो ये चीजों का हमें उसमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि प्री प्रोडक्शन में हमें चीजें पहले डिसाइड कर लेनी पड़ती है कि हमें क्या चीज दिखानी है और क्या नहीं। इसके अलावा ग्राफिक्स प्लस हमें लाइट की क्या क्या जरूरत है, कौन कौन सी लाइट की जरूरत है, कौन कौन से माइक की जरूरत है, जैसे हम एनसीईआरटी में भी कोई भी प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम बता देते हैं कि हमें इसमें 3 कैमरा की जरूरत है, हमें आउटडोर जाना है तो हमें आउटडोर के अलग कैमरा, डॉली चाहिए उसके अलग, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब चीजों के बारे में हम प्री प्रोडक्शन में पहले ही क्लियर हो जाता है। माइक भी अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम बहुत क्राउड में यूज कर रहे हैं तो हमें कौन से माइक यूज करने हैं, ओमनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिनसे ऑडियो को हम किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे बूम माइक, हैंड हैंडल माइक हो गया, जिससे कि हम माइक से वन साइडेड ऑडियो हम ले सकें, ठीक है। अगर हमें बहुत सारे ग्रुप में लेना है, आप टीवी में देखते हैं हर किसी को लेपल एंड माइक, मतलब ये सब चीजें नहीं लगाई जाती लेपल, टीवी आप न्यूज में देखते होंगे तो एंकर्स के माइक हमेशा यहाँ पे एक लगा रहता है लेपल छोटा सा, क्योंकि वो सिटिंग मतलब पोजिशन में होते हैं और बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत वॉकिंग होता है, बट वही चीज अगर हम टीवी पे देखते हैं तो उसमें माइक का रोल प्ले रोल जो होता है वो अलग हो जाता है, उसमें बूम माइक यूज होते हैं ज्यादातर, तो प्री प्रोडक्शन में सब चीजें डिसाइड हो जाती है कि न्यूज के लिए कर रहे हैं तो हम कौन से माइक यूज करेंगे, टेलीविजन के लिए कर रहे हैं अगर हम शूट तो टीवी के लिए, अगर जैसे हम कोई शो बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो उसके लिए माइक नहीं दिखने चाहिए, तो उसके लिए अलग यूज होंगे। लाइटिंग का भी ऐसे ही है, जैसे कि अगर हम बाहर आउटडोर कर रहे हैं तो नेचुरल लाइट हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, उसमें हमारे अलग अलग तरीके से कटर्स और ये सब चीजें यूज होंगे रिफ्लेक्शन के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बट उसमें लाइट नेचुरल लाइट होगी, बट अगर हम इंडोर कर रहे हैं तो उसमें लाइट की क्वांटिटी और जो है अलग अलग चीजें लाइट चेंज हो जाएंगी उनमें, कि हमें किस किस तरीके की लाइट्स यूज करनी है, इसमें लाइट की भी बहुत सारी कैटेगरी है बट हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो प्री प्रोडक्शन में तो सारी चीजें वो है कि जिसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि चीजें किस तरीके से होंगी सिस्टमैटिक वे में। इसके बाद स्क्रिप्ट में भी पार्ट आता है कि हम ऑडियो एंड विजुअल फॉर्मेट में लिखें स्क्रिप्ट को, कि ऑडियो क्या होगा और विजुअलाइज किस तरीके से होगा, किस तरीके से उस समय एंकर मतलब चलेंगे बैठेंगे, एक्सपर्ट क्या बोलेंगे, अगर वो ग्लास उठा रहे हैं पानी का फिर ये डायलॉग बोल रहे हैं, तो उस फॉर्मेट में जो है स्क्रिप्ट को लिखा जाएगा कि ऑडियो क्या होगा और विजुअल्स क्या होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो स्क्रिप्टिंग भी बहुत ही सिंपल वे में नहीं होती, जैसे कि हम अमूमन उसके लिए लिख देते हैं न्यूज वगैरह, न्यूज पेपर वगैरह के लिए लिखते हैं ये सिंपल स्क्रिप्ट लिखी, बट जब भी हम कोई चीज दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन उसके लिए स्क्रिप्ट का डिवीजन जो है वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार से कैमरा स्क्रिप्ट भी डिफरेंट होती है, जिसके अंदर शॉट की वेरिएशन होती है कि जिसमें हमें ये क्लियर होता है कि हमें किस तरीके से शॉट्स लेने हैं, हमें लॉन्ग शॉट लेना है, क्लोजअप लेना है, एक्सट्रीम क्लोजअप लेना है, किस चीज का एक्सट्रीम क्लोजअप लेना है,
तो इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा शॉर्ट डिवीजन भी आपको उसमें मैं क्लियर करूंगी। इसके बाद प्री प्रोडक्शन के बाद आता है हमारा प्रोडक्शन पार्ट। अगर हमारा प्री प्रोडक्शन सब तरीके से सही है तो हमारा फिर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वो पार्ट है जिसमें हमने जब सब चीजें डिसाइड कर ली कि अब हमारी सारी चीजें क्लियर हैं, हमें पता है कि हमें कब शूट करना है, किधर शूट करना है, कहीं शूटिंग परमिशन लेनी थी, सब चीजें हमारी ओवरऑल हो चुकी हैं, तो हम आते हैं प्रोडक्शन पार्ट। जस्ट लाइक कुकिंग, कि हमारा डिसाइड हो चुका है कि हमें आज क्या बनाना है और हमने बना वो सोच लिया है और अब हम उसको बनाने जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन जो है सब चीजों को क्रिएट करना है, जो भी चीजें हमने सोची थी उस चीज को शूट करना है। शूटिंग का पार्ट है वो पूरा, रिकॉर्डिंग का। हम जाते हैं लोकेशन पे और वहां पे उस प्रोग्राम को शूट करते हैं। शूट करने से उसमें हमारा ये भी रहता है कि हमें वहां पे और चीजें क्या कलेक्ट करनी है। अगर हम आउटडोर में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हमें नेचुरल एम्बियंस चाहिए होता है उस चीज के फील के लिए, क्योंकि कई बार उस चीज का ऑडियो यूज होता है, हमें उसके लिए डबिंग बाद में ना करनी पड़े। जैसे कि पहले जैसे एक शोले मूवी का रेफरेंस लेना चाहूंगी इसके लिए, क्योंकि शोले मूवी में आपने देखा होगा कि जैसे घोड़ा चल रहा है तो उसकी आवाज, ये सब चीजें उन्होंने डबिंग में बाद में बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी। बट अब क्या है, नेचुरली मतलब कि जो है एम्बियंस आना चाहिए, उससे बहुत फील और बहुत लाइवली लगता है। अगर हम स्कूल के लिए कोई बच्चों का शूट करें, जब तक उसमें बच्चों की आवाज ना हो, भले ही किसी को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है, बट थोड़ा बहुत आवाज बच्चों की होनी चाहिए, जिससे कि वो एम्बियंस जो है वो नेचुरल एम्बियंस और स्कूल का फील दे। तो नेचुरल एम्बियंस भी मैटर करता है। तो प्रोडक्शन में ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी हम शो कर रहे हैं, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है। माइथोलॉजिकल एंड पीरियोडिकल शोज में इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, कोई ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए कि उस समय तक वो चीज हुई ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेन की आवाज, और हम बना रहे हैं मतलब अकबर के टाइम की बात या राम जी के टाइम की बात हो रही है, तो और हम दिखा रहे हैं उसके अंदर ट्रेन का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, तो प्रोडक्शन में ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम कुछ चीज शूट कर रहे हैं, तो कि किस चीज को हम कब और कैसे बना रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं। तो प्रोडक्शन पूरा पार्ट है शूटिंग का, कि हम किस तरीके से चीजों को शूट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं ऑन, ताकि कोई चीजें गलत ना हो। प्रोडक्शन में भी एक चीज और होती है, कई बार हमें जैसे कि न्यूज में होता है, हमें तुरंत लाइव देना पड़ता है लाइव व्यू के थ्रू, तो प्रोडक्शन के बाद उसमें पोस्ट प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं होती। पर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में, उसमें प्रोडक्शन के बाद थर्ड पार्ट जो हमारा कैटेगरी है, पोस्ट प्रोडक्शन, जो भी चीज हम कलेक्ट करके डाटा लाते हैं, जो भी चीजें हम शूट करते हैं, उसको हम किस तरीके से एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद उसको किस तरीके से ऑन एयर दिखाएंगे, वो सब चीजें भी मैटर करती है, कि हमें उसको किस तरीके से दिखाना है, उसको किस तरीके से ऑन एयर करना है प्रोग्राम को। तो प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट शूटिंग, रिकॉर्डिंग, अच्छी तरीके से एक ही चीज को। अगर हम अपने टीवी में भी हम जो भी कमर्शियल देखते हैं, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था 30 सेकंड का कमर्शियल है या 15 सेकंड का कमर्शियल है, बट उसके लिए जो शूट होता है कम से कम 15 to 20 मिनट्स तो शूट होता है उसका कम से कम। और उसमें अलग अलग वैरायटी पे शूट किया जाता है, उसमें शॉट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार हम एडिटिंग टेबल पे जब बैठते हैं तब हमें लगता है कि नहीं अरे इसका तो और क्लोजअप होना चाहिए था तो ये और अच्छा लगता, या फिर अरे ये तो एक्सट्रीम क्लोजअप में अच्छा लग रहा है। कई चीजें जो होती हैं हमें लॉन्ग शॉट में अच्छी लगती है, तो हमें एक ही चीज को 2-3 बार शूट करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे भी एनसीईआरटी में भी जब भी कोई प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करते हैं तो बच्चों के साथ करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का, कई बार बच्चों के एक्सप्रेशन बहुत नेचुरल और बहुत अच्छे आते हैं, लॉन्ग शॉट तो हम लेते ही हैं साथ में उसके क्लोजअप भी लेते हैं, ताकि उसी चीज को रिपीट करवा लें, और अगर जहां जहां अच्छा लग रहा है उसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं तो बच्चों के नेचुरल एक्सप्रेशन जो डालें, बजाय ग्राफिक्स और किसी और चीज के या कोई पिक्चर इमेज लगाने के, जो नेचुरल तो नेचुरल है। तो प्रोडक्शन में सेकंड स्टेज यही है कि जिस जो भी चीज हम शूट कर रहे हैं उसको अलग अलग वेरिएशन से करें, अलग तरीके से सोचें कि हमें किस तरीके से ये हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब दिखे हम स्क्रीन पे तो वो अच्छा लगे। तो हमें शॉट की वेरिएशन चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद लास्ट पार्ट हमारा आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो लास्ट है एंड थर्ड पार्ट जो इसका है। इसके अंदर ये है, जो भी हम शूट करके लाते हैं उसको हम एडिट करवाते हैं, जो भी प्रोग्राम है उसको किस तरीके से वो एडिट होगा, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरीके से जाएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ उसमें अगर हमें लग रहा है कि कोई किसी तरीके से हमें ग्राफिक्स या फिर हमें जैसे क्रेडिट रोल ग्राफिक्स, उसकी ड्यूरेशन अगर हमें एक्सीड लग रही है तो हम उसको कम करना है या बढ़ाना है, तो एक्स्ट्रा पार्ट हम उसमें जोड़ सकते हैं जो हम शूट करके अगर एक्स्ट्रा लाए हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली एडिटिंग का है, एक फिल्म की लास्ट जो एडिटिंग होती है वो, जिसमें हम पूरा एडिट करके
उसको फिर एक बार दोबारा स्क्रीन पे देखते हैं, फिर हम देखते हैं उस विजुअल को कि अगर वो हमें अच्छा लग रहा है तो ठीक है, जहां पे हमें कमियां लगती हैं उसको चेंज करते हैं डबिंग से। इसके अंदर डबिंग पार्ट भी हमारा आता है कि कई बार हमें कुछ चीजों का साउंड समझ में नहीं आता तो हम उसकी जगह एक्स्ट्रा जो है साउंड जो है रिकॉर्ड करवा के उसमें उसको एड ऑन करवा सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमें उसके अंदर डबिंग अगर हमें करवानी है, कोई वॉइस कुछ अलग से रिकॉर्ड करवाना है, कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा कि लास्ट में बोल दिया जाता है कि अरे ये पार्ट आप हटा दीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो पार्ट हटेगा फिर कुछ और डब होता है उसकी जगह, उस वर्ड की जगह। कई बार ये होता है सेंसर बोर्ड और इनसे होता है, बट एनसीईआरटी में तो उसका कोई खैर इतना मामला है नहीं। तो जो भी चीज हम रिकॉर्ड करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, वो जो है सब चीजों का सुधार का एक आखिरी गुंजाइश जो बची होती है वो पोस्ट प्रोडक्शन ही है। पोस्ट प्रोडक्शन के बाद कोई कुछ नहीं सुधार सकता, सब ऑन एयर हो जाता है सब चीजें, और जो भी चीजें ऑन एयर तो उसको दोबारा चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन तक का मैंने आपको इसमें समझाया। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सर आप में से किसी को भी कुछ पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, फिर मैं शॉर्ट डिवीजन के ऊपर जाऊंगी। हेलो हाँ मैम, मैं भूपेश श्रीवास्तव, रांची झारखंड से। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सॉरी आ रही है। हाँ मैम बताइए कुछ आपको पूछना हो तो। मैम, मैं भूपेश, रांची झारखंड से। हाँ जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा, ये आपका प्रोडक्शन के संबंध में बताया। जैसे कि हम लोग अपने लेवल से जब बनाते हैं, मोबाइल से शूट करते हैं और ये करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो एक फिल्म बनाने या किसी चीज़ में उतना उन सब सारी चीज़ों का तो ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हम लोग अपने स्तर से, जो ना तो हमारे पास वो प्रोडक्शन टीम होती है, ना हमारे पास उतने इक्विपमेंट होते हैं, तो हम जिस लेवल पे काम करते हैं उस लेवल पे कुछ चीजें कैसे हम उसको सीमित संसाधन में कर पाएं, ये इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग कुछ जानना चाहेंगे। कि बाकी सब चीजें जो फॉर्मली होनी चाहिए, कैमरा, लाइट, माइक्रोफोन, ये वो, लेकिन हम जब कोई कंटेंट डेवलप करते हैं तो मेरे पास ना स्टूडियो होता है, ना मेरे पास कोई टीम होती है, तो जी वहां पे हम लोग को कैसे अपनी चीजों को करने के लिए थोड़ा सा गाइड कर। सही सर, आपने सही कहा, क्योंकि हर कोई इंसान स्टूडियो में तो जाएगा नहीं, बट जी। आप देखिए कि आजकल यूट्यूब में भी इतना सारा कंटेंट डल रहा है और लोग घर से ही शूट कर रहे हैं चीजें। तो इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ शॉर्ट डिवीजन के ऊपर, कि मोबाइल हम सबके पास है। हाँ जी मोबाइल हम सबके पास है, तो मोबाइल से हम जब भी शॉट्स लेते हैं, कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं, तो कैमरा को सिर्फ हमको सीधे सीधे फोटोग्राफ पर हम क्लिक कर देते हैं बस, और हम सोचते हैं कि वो हाँ चीज ठीक है, बट वो चीजें जी ठीक नहीं है। हमें हर शॉट का, हर एक विजुअल का जो भी हम कैप्चर कर रहे हैं उसका एक मीनिंग है, उसको दिखाने का तरीका अलग है हर चीज का। तो वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स के बारे में आपको आज इसमें क्लास में बताऊंगी। मुझे लगता है कि ये सेशन में आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट्स के बारे में, क्योंकि अमूमन हम पिक्चरों में देखा है अलग अलग तरीके शॉर्ट, बट हम वो चीज नोटिस नहीं करते, हम सिर्फ स्क्रिप्ट देखते हैं कि हाँ चीजें किस तरीके से दिखाई जा रही है, स्टोरी क्या है। बट जी कैमरा अपने आप में एक बहुत, जिसे कह सकते हैं, इम्पैक्टफुल और सशक्त माध्यम है। वो विजुअल जो है वो सब कुछ देता है अपने आप में। एक अगर आप साइलेंट मूवी भी अगर है और कैमरा उसमें चल रहा है और वो अलग अलग शॉट चल रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मतलब हर एक पिक्चर कुछ और कहती है, मतलब कुछ ना कुछ वो कह रही है उसका कुछ अलग। तो सर मैं इसी से रिलेटेड आपको इसमें विजुअल दिखाती हूँ, ये फर्स्ट वाला निकाल। और सर आप लोग अपने फोन से भी जो है पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सर आप लोगों ने जैसे देखा होगा इसमें एक्सट्रीम जो है लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट क्या होता है, पहले तो आप ये पिक्चर देखिएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। इसको स्टैब्लिश शॉट जी कहते हैं। जब भी हमें कोई चीज दिखानी है, मतलब कि
अगर जैसे कोई गांव है या कोई स्टेट है, जैसे मैप से और अलग अलग तरीके से, तो हम एक्सट्रीम जो है लॉन्ग शॉट लेते हैं। जैसे इंडिया गेट में भी अगर हम गए हैं, तो हम इंडिया गेट को दिखाना है तो अगर हम बहुत ही क्लोजअप क्लिक कर देंगे कोई पिक्चर, तो वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी। शायद हमें लगेगा कि अरे किसी ने कोई भी वॉल की किसी की भी पिक्चर क्लिक कर दी। बट अगर हम उसको एक्सट्रीम लॉन्ग में लेंगे तो क्या एक स्टैब्लिश शॉट बनेगा, पता चलेगा कि हम दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम दिखाना है कि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में हैं, तो हम क्या करेंगे, इंडिया गेट को अगर हम कैप्चर करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि हम ये मूवी जो है स्टार्ट हो रही है किधर से, दिल्ली से, ये दिल्ली बेस्ड हो रही है। वैसे ही अगर आप कहीं भी कोई भी पिक्चर कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका एक एक्सट्रीम जो है लॉन्ग शॉट जो है हमेशा लेना चाहिए, जिसे हम स्टैब्लिश शॉट भी कहते हैं, किसी भी मूवी या किसी भी सीक्वेंस के अंदर। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप इसमें देख सकते हैं, ELS शॉर्ट जिसे हम कहते हैं। तो मोबाइल से भी अगर आप कोई पिक्चर या कुछ चीज क्लिक कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्सट्रीम जो है लॉन्ग शॉट ले सकते हैं। इसी के अलावा और शॉर्ट्स भी इसके अंदर वैरायटी आती है। इसके बाद फिर आता है आपका लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट में आपका आता है हेड टू टो तक लॉन्ग शॉट, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर किसी इंसान को हम दिखा रहे हैं। जैसे कि देखिए इसमें एक पिक्चर मैंने दी है, दिखाई आपको, ये तीन लोगों का लॉन्ग शॉट है। और अगर मैं इसी को फोकस करके और बहुत एक्सट्रीम लॉन्ग लेती तो वो डिफरेंट होता, ठीक है ना। तो हर चीज का एक अलग अलग है। जैसे कि अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको इंडिया गेट का एक रेफरेंस दिया कि इंडिया गेट का अगर हम पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, तो हम एक्सट्रीम लॉन्ग लेंगे फर्स्ट, फिर हम लॉन्ग शॉट में आएंगे। तो सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस हमें चलना होता है, क्योंकि अगर हम एकदम से कोई एक्सट्रीम क्लोजअप या एक्सट्रीम लॉन्ग एकदम से मतलब चीजें जो दिखा देते हैं, तो वो जो है पिक्चर को एक उसके रिदम तोड़ देता है। तो हमें सीक्वेंस से चीजों को दिखाना चाहिए, हमें किस चीजें किस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इसके अलावा आप देखिए लॉन्ग शॉट में एक और है आप वैरायटी, लॉन्ग शॉट, फुल लॉन्ग शॉट, हेड टू टो तक, ठीक है पर्टिकुलरली। बट इसमें क्या है, आपको पीछे बैकग्राउंड की बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखेंगी जो एक्सट्रीम क्लोजअप एक्सट्रीम लॉन्ग में सॉरी दिख रही थी। इसके अलावा सर इसके अंदर और वैरायटी आपकी आ जाती है मिड शॉट। मिड शॉट क्या होता है, वेस्ट लाइन से अबव जो हमारे शॉट्स होते हैं वो मिड शॉट होते हैं। इस तरीके शॉट आपने देखा होगा न्यूज में या फिर एंकर्स वगैरह के साथ आपने देखा बहुत ज्यादा, जैसे दो लोग बैठे हैं आप बात कर रहे हैं, तो मिड शॉट उसमें ज्यादातर बन जाता है, उसमें मिड शॉट या टू एंगल शॉट्स जो है बनते हैं उसमें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉट्स हैं। और इन सब शॉट्स में क्या वैरायटी मिलती है, एक्सट्रीम वाले में तो आपको क्या है कि आपको कैरेक्टर जो ऑब्जेक्ट जो मेन है वो तो दिख ही रहा है, जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, प्लस उसके अलावा आसपास की चीजें भी दिखती है। और वही चीजें जब आप मिड में आ जाते हैं, तो मिड में क्या आपको एक्सप्रेशन दिखना स्टार्ट होते हैं, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन किसी चीज के, तो किसी भी इंसान के। तो ये मिड शॉट जो अमूमन हर जगह आपको नॉर्मली हम लोग भी पिक्चर क्लिक कराने जाते हैं, तो मिड शॉट ये लॉन्ग ही हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी पिक्चर्स जो भी हैं क्लिक कराएं, तो ऐसे। इसके अलावा सर ये देखिए टू शॉट मैंने इसमें दिखा रही हूँ, इसमें आप देखेंगे पीछे के जो लोग हैं उनमें फोकस आउट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो आगे जो लोग हैं। तो इसको हम एक तरीके से पिक्चर की कॉम्पोजिशन भी कहते हैं कि पिक्चर को किस तरीके से हमें दिखाना है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो हमने उनका टू शॉट लिया और पीछे वाले को फोकस उसका आउट कर दिया, ताकि हमें पता चले कि हमारे मेन कैरेक्टर कौन है जिनको हमें दिखाना है, ठीक है सर। इसके अलावा देखिए सर इसमें इसमें तीन लोग हैं, तीनों लोगों का इसमें मिड शॉट बना है, तो इसमें देखिए किसी पे भी फोकस आउट नहीं है और ये तीनों एक ही चीज को देख रहे हैं। इस वजह से ये मोस्ट इन तीनों के डायलॉग्स होंगे इसके अंदर। तो पिक्चर में किस किस के डायलॉग्स हैं उसके हिसाब से भी हमें शॉट लेने पड़ते हैं, किस किस तरीके से शॉट। जैसे पहली वाली इमेज में अगर आप देखेंगे तो आगे जो दो लोग थे इनकी बात हो रही है, तो पीछे वाले जो जो है गन लेके जो जो इंसान है इसके इसको ब्लर किया गया, मतलब एक तरीके से इस पे फोकस नहीं है, फोकस आउट है इसका। वैसे अगर ये तीन लोग इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों, तीनों पे फोकस है, और इसमें इसमें तीनों के डायलॉग्स होंगे इस उसमें इस सीक्वेंस में, इस वजह से इसको थ्री शॉट में लिया गया है। तो हमें किस तरीके से शॉट्स लेने हैं ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। इसके अलावा सर इसके अंदर एक और चीज आती है, जैसे कि कैमरा के अंदर क्लोजअप, कि क्लोजअप हमें कब कब लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे NCERT में जो भी शूट करते हैं ज्यादातर बच्चों के क्लोजअप बहुत लेते हैं, क्योंकि बच्चों के कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। जब हमने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब जो गिगलिंग वॉइस में बोलते हैं ये सब चीजें, तो हम क्या करते हैं उनके क्लोजअप लेते हैं, और वो बहुत इंपैक्टफुल होती हैं चीजें जब हम उनके क्लोजअप लेते हैं, क्योंकि मेन उनके उनके एक्सप्रेशन ही है। जब भी हमें किसी चीज की एक्सप्रेशन दिखानी है, कोई रो रहा है, हंस रहा है, या फिर कोई उदास है, कुछ भी है, तो उसके हमें क्लोजअप लेने। तो पिक्चरें लेने पिक्चर्स को लेने का तरीका अलग अलग होता है, कब हमें एक्सट्रीम क्लोजअप लेना है, कब हमें क्लोजअप लेना है, कब हमें एक्सट्रीम लॉन्ग लेना है, ये हमें अपने आप अगर मोबाइल से भी चीजों को शूट कर रहे हैं
तो या रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी हम इन चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे हमारे पास शॉट की वेरिएशन होगी, अलग अलग शॉट्स होंगे हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास जो है पिक्चर जो है बहुत इम्पैक्टफुल होगी, जो भी हम मूवी बना रहे हैं या फिर हम किसी भी तरीके का एड शूट कर रहे हैं। आप भी आज मुझे लगता है कि घर जाके जरूर देखेगा, जो भी कोई कमर्शियल आता है तो आप देखेंगे एक कुछ तो कुछ सेकंड का वो कमर्शियल होता है, बट उसके अंदर शॉर्ट देखिएगा कितनी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही, और वही हम अट्रैक्ट करते हैं जो हम वहां पर, एक तो कैची लाइन उनकी जो स्क्रिप्ट में होती है, जो हम जो उनकी टैग लाइन होती है, प्लस शॉर्ट्स, अगर हम विजुअल में सुन नहीं रहे और देख रहे हैं तो देखने में हमें क्या चीजें कर रही, क्या है? हम उसके अंदर जो वेरिएशन ऑफ शॉर्ट्स होते हैं, जो सेकंड सेकंड के अंदर भी कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं हर बार, कभी लॉन्ग, कभी टू शॉर्ट, कभी मिड शॉर्ट, कभी एक्सट्रीम लॉन्ग, कभी फुल लेंथ, कभी मिड, कभी क्लोजअप, कभी एक्सट्रीम क्लोजअप। क्लोजअप में आप देखिए कभी कोई किसी का भी फेशियल एक्सप्रेशन दिखाना है तो हम क्लोजअप पे जाते हैं, बट क्लोजअप इसमें जरूरी नहीं कि फेस का ही हो। इसमें मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, आपने कोई मूवी वो देखी होगी मुगैम्बो खुश हुआ, उसमें वो हाथ से टैप करते रहते थे तो उसमें सिर्फ उनका हाथ का क्लोजअप था, ओनली फेस नहीं लिया गया था उसमें कहीं भी, उनका सिर्फ हाथ ही हाथ का क्लोजअप था। तो सस्पेंस बनाए रखने के लिए भी क्लोजअप कई बार लिया जाता है पर्टिकुलर की, जैसे कभी कोई होता है ना शूज को टैप कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फुट मोमेंट को हम क्लोजअप ले रहे हैं उसका, कि दिखा रहे हैं कि वो पैर को बारी बारी टैप कर रहा है, कोई मतलब परेशान है और वो टैप कर रहा है बारी बारी, तो उस चीज का भी हम क्लोजअप ले सकते हैं। तो क्लोजअप अलग अलग तरीके से होता है, तो जरूरी नहीं क्लोजअप हम फेस का ही लें, बच्चों को तो अमूमन हम फेस का ही लेते हैं क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आते हैं, बट किसी भी चीज का हम क्लोजअप ले सकते हैं, अगर जो भी चीज हमें दिखानी है, किसी ऑब्जेक्ट का भी ले सकते हैं हम क्लोजअप। इसमें जब हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो क्लोजअप हम किसी चीज की बहुत डिटेलिंग दिखाने के लिए भी हम क्लोजअप ले लेते हैं, या हम बच्चों के साथ कभी हम टेक्स्ट बुक शेयर कर रहे हैं या कुछ कुछ भी चीजें, तो हम उसमें भी हम क्लोजअप हम उसमें शेयर करते हैं। तो पर्टिकुलरली मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, जैसे हैंड मूवमेंट मूवी, जैसे वो मोबाइल अमरीश पुरी के वाले उसमें था सीक्वेंस में, वो हाथ से टैप करते रहते थे ग्लोब के ऊपर, तो सिर्फ हाथ ही हाथ था। ऐसे आपने अलग अलग कमर्शियल देखे हो जिसमें आपके हाथ का इंपॉर्टेंस है तो हाथ का एक वो दिखा रहे हैं, सपोज लिपस्टिक का एड है तो उसमें उस तरीके से वो क्लोजअप होगा फेस का, ठीक है? तो हर चीज का जिस जिस चीज की जरूरत है क्लोजअप कहाँ मतलब होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा क्या प्रोडक्ट क्या है, हमें क्या चीज हम बना रहे हैं, हमारी स्क्रिप्ट किस तरीके से है। जैसे कि इसमें दिखाइए उसका फेशियल एक्सप्रेशन है कि कितना प्रॉब्लम में है या वो फोन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत मूवी में आज आप जरूर ये देखेगा कि आपने मतलब पर्टिकुलरली 1 मिनट के अंदर आपने कितने शॉट की वेरिएशन देखी, 1 मिनट भी एक शॉट जो 1 मिनट से कम टाइम में एक शॉट फटाफट से चेंज हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अगर उनका डायलॉग्स नहीं है तो फटाफट फटाफट वो चेंज होते रहते हैं। तो ये तो है क्लोजअप। क्लोजअप के बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आता है एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप होता है पर्टिकुलरली फोकस करना किसी एक चीज के ऊपर, एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप में आपका फेशियल एक्सप्रेशन तो है ही, जैसे आंखें किसी की दिखा रहे हैं, जैसे कि आप इसमें ले सकते हैं किसी भी मूवी का किसी की आंखों का जिक्र है तो हम आंखें दिखा रहे हैं उसमें, ठीक है? या फिर हम एक्सट्रीम क्लोजअप में इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, किसी जैसे अगर आपको राशि वगैरह को जैसे ज्योतिष वाला को शो कर रहे होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टोन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलरली वो दिखाया जाता है, या फिर अगर मैं एस्ट्रोलॉजी का शो कर रही हूँ तो मैं उसमें पर्टिकुलर दिखा रही हूँ कि अच्छा ये वाली लाइन हैंड्स में आपके हाथ में ये वाली लाइन, तो फोकस करना किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सट्रीम क्लोजअप कहलाता है। तो शॉट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं, और चेंज के साथ साथ एक्सट्रीम क्लोजअप में जैसे कि देखिए इसमें दो चीजें, एक तो फोकस किया उन्होंने रिंग के ऊपर, लॉर्ड ऑफ रिंग मूवी का है ये, इसमें रिंग के ऊपर फोकस किया, ये भी एक्सट्रीम क्लोजअप है, और रिंग के थ्रू जो है ये आंखों पे जो फोकस किया गया ये भी एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट है। तो जो शॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। इसके अलावा आपका कैमरा एंगल भी मायने रखता है कि आप किस एंगल से कैमरा को या अपने मोबाइल फोन से आप जो भी शूट कर रहे हैं वो किस तरीके से शूट कर रहे हैं, क्या क्या आपके एंगल्स होंगे उसमें, किस तरीके से आप उस चीज को दिखाना चाहते हैं, कैमरा एंगल बहुत कुछ कहता है। क्योंकि हम अगर कैमरा एंगल की बात करें, कभी हम देखते हैं ना अपनी इमेज देख रहे होते हैं फिर हम बोलते हैं अरे इसमें तो मैं बहुत लंबी लग रही हूँ या इसमें तो मैं बहुत ज्यादा छोटी लग रही हूँ हाइट में, तो ये कैमरा एंगल का ही खेल है कि हम किस तरीके से उसमें दिख रहे हैं। तो एक होता है बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू जो है जो भी चीजें हैं हाई एंगल से दिखाना, बर्ड आई मतलब वही पक्षी की आंखें,
लेवल वाला। इसका ज्यादातर आजकल आप देखते होंगे ड्रोन ने इसकी स्पेस ले लिया है, ड्रोन से इसका शूट होता है। पहले कभी हेलीकॉप्टर से भी हुआ करते थे ये शूट, हेलीकॉप्टर वगैरह से शूट होते हैं, बट अब ड्रोन से होते हैं। इसमें मैंने एक रेफरेंस के लिए एक इमेज लगा रखी है जिसमें कभी कोई फाइट वाला सीन दिखा रहे हैं, या फिर हम वही जैसे वॉर दिखाते हैं, या फिर महाभारत युद्ध दिखा रहे हैं, तो वो सब शॉट कैसे ड्रोन से दिखाए जाते हैं ज्यादातर। और आप ड्रोन वाले शॉट्स तो आजकल सब एक्सट्रीम जो है ये वाइल्ड में ही जाते हैं, पर एंगल जो है इनका बर्ड आई व्यू हो जाता है इसके अंदर। तो एंगल इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें, तो एंगल जो है चेंज हो गया है, बर्ड आई व्यू हो गया है ऊपर से जो हम पूरा सीक्वेंस को कैप्चर करते हैं। बट आप कभी भी देखना अगर बर्ड आई व्यू, तो पूरा कैमरा सीक्वेंस बर्ड आई व्यू वाले कैमरे उसमें नहीं जाएगा। कुछ कुछ चीजों में उनके एक्सप्रेशन दिखाने के लिए शॉट की वेरिएशन होगी। जैसे कि आप आज कोई भी कुछ भी चीज अपने घर में जाकर देख जाके जरूर देखेगा, या अभी थोड़ी देर बाद आप सर जरूर देखेगा, तो आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस जो है, शॉट जो वेरिएशन है, बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है स्क्रीन पे। अगर यही चीज एक्सट्रीम आपको ये बर्ड आई व्यू से दिख रहा है ऊपर से टॉप एंगल से कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, उसके बाद वो कैसे कैसे चीजें चेंज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चीजें चेंज होती थी। ये हो गया आपका बर्ड आई व्यू एंगल। इसके बाद आपका था हाई एंगल। हाई एंगल जो है ज्यादातर हम देख सकते हैं जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, या आप लोकसभा राज्यसभा की जो कॉन्फ्रेंस जो चल रही हो, जो भी चल रहा होता है जो लोकसभा एंड राज्यसभा में डिबेट वगैरह जो भी चल रही होती है, बजट वगैरह, तो आप देखते होंगे ये इसी तरीके की शॉट आता है टॉप एंगल वाले, जिसमें पता चलता है सब लोग बैठे हुए हैं। ऐसा अमूमन सेमिनार के भी व्यूज होते हैं, सेमिनार हॉल में और जब हम बैठे थे, या डाइनिंग टेबल में हम खाना खा रहे हैं, ये वो टॉप एंगल है, इतना है जितना आपका फैन हो आपके घर में, फैन के हाइट जितना, जिससे हमें पता चले कि हाँ इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें जरूरी नहीं कि सारे लोग कैप्चर हो जाएं, बट हाँ एक एंगल टॉप एंगल से पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं और ये खाना खा रहे हैं, या तो ये लोग अपना किसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये शॉट लेने के तरीके हैं कि हमें कब टॉप, इसी चीज को हम हो सकता था कि हम इन लेडी के पीछे से कैप्चर कर लेते तो भी ये चार पांच लोग दिख जाते, और जो ये लेडी बैठी है इनकी बैक दिख जाती, तो हमें पता चल जाता ये लोग यहाँ टेबल में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। बट वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना ये इम्पैक्टफुल है कि हम उसको टॉप एंगल से ले रहे हैं। तो जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं कुछ है, तो हम उसमें देखते हैं कि जो शॉट है वो किस तरीके से हमें लेना है, किस तरीके से हम चीजों को कैप्चर करेंगे, तो वो क्या इम्पैक्ट डालेंगी। क्योंकि इसी चीज को मैं एक और रेफरेंस दे रही हूँ कि इस लेडी के पीछे से भी हम इस शॉट को ले सकते थे, सामने जो ब्लैंक चेयर है इधर से भी हम इसको कैप्चर कर सकते थे, इस विजुअल को। बट फिर वो चीज इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती, उसमें वो चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी ये हाई एंगल से लग रही है। इसके अलावा आपका आता है आई लेवल। आई लेवल क्या होता है, जो जिसमें हम लोग कई बार सेम चीजें अपने आमने सामने बैठ के बातें करते हैं, उसको आई लेवल शॉट, जो एकदम बहुत नेचुरली जो चीजें हम कैप्चर करते हैं। जैसे कि आई लेवल में हम ये कह सकते हैं, जब डिबेट होती है टीवी पे, सारे पैनलिस्ट एक साथ ही बैठे होते हैं, एंकर और बाकी जो पैनल पे लोग होते हैं वो सब आई लेवल पे ही बातें कर रहे होते हैं, आई लेवल वाले शॉट्स उसमें बनते हैं और उसी में ही डिस्कशन होता है। तो ये हो गया आपका आई लेवल शॉट, एकदम समान दृष्टि से, समान मतलब जो आपकी आंखों के लेवल के बराबर। जैसे इसमें तो इन्होंने एक गन वाला एक वो ले रखा शॉट जिसमें इनकी आंखों को कैप्चर किया गया, बट हम अब इसमें एक अब नॉर्मल भी जो डिबेट करते हैं वो भी आई लेवल में ही आपकी आ जाती है। इसके बाद जो है कैमरा एंगल के अंदर आता है लो एंगल। लो एंगल जो है कैमरा, जब हम कैमरा को नीचे रखकर मतलब काफी नीचे करके अपने जो कैरेक्टर है उसको हम जो है उसकी फोटो क्लिक करते हैं, या फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं, उसको बड़ा दिखाने के लिए, उसको किसी तरीके से एक मतलब ताकतवर दिखाना, या बड़ा दिखाना, या उससे हम डर रहे हैं कई तरीके से, उसकी इमेज को दिखाना, उसके कैरेक्टर को दिखाना। आपने कभी इसी तरीके की इमेज आपने देखा तो माइथोलॉजिकल एंड पीरियोडिकल शोज में क्या होता है, हम जो है लो एंगल शॉट लेते हैं जब भी भगवान आते हैं। भगवान जैसे अगर कोई सिंहासन पे बैठा है, आप इस चीज को इमेजिन कीजिएगा, जैसे रामायण है या महाभारत है, अगर राम जी अगर बैठे हैं सिंहासन में, तो शॉट जो होगा पिक्चर उनकी जो होगी कभी भी सामने स्ट्रेट आई लेवल पे नहीं होगी, वो हमेशा लो एंगल पे होगी। लो एंगल जब हम कैमरा को रखेंगे तो चीज अपने आप बड़ी भव्य और उसका कैरेक्टर जो है वो एक बड़ा दिखता है। बट अगर वही चीज को हम ऑपोजिट में दिखाना चाहते हैं, अगर उनके सामने कोई और भगवान है, आप कभी माइथोलॉजिकल एंड पीरियोडिकल शोज में अगर कैप्चर करते हैं, तो उसमें क्या होता है आई लेवल भी उसमें शॉट हम डाल सकते हैं। बट अगर आपके घर में या आसपास कोई भी कैलेंडर है, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा देखना थोड़ा सा लो एंगल तो होगा ही होगा। इवन मोदी जी के भी जो शॉर्ट्स लिए जाते हैं वो भी ज्यादातर थोड़ा सा लो एंगल पे लिए जाते हैं, ताकि वो बड़े और बहुत अलग से इम्पैक्टफुल लगे, अलग से दिखे।
आपके घर में अभी होगा, मुझे लगता है किसी घर में एनसीआरटी का कैलेंडर भी होगा, तो अक्टूबर मंथ की जो पिक्चर थोड़ी सी लो एंगल पे ही लेगी, आई लेवल पे कभी नहीं लिया जाती। जो भी बहुत ही रिस्पेक्ट दिखानी है, या फिर जिनसे मतलब जिन लोग जिनको देख के आप लगे कि हाँ ये महान है, या जिनकी कैरेक्टर हमें बहुत ही भव्य तौर पर दिखाना है, उनको ज्यादा लो उसमें दिखाता है। हाँ, बट इसमें जो सीक्वेंस जो जो मैं पिक्चर शो कर रही हूँ वो एक मतलब एक तरीके से चोर या वो है, तो इनकी जो पिक्चर है ये पिक्चर के हिसाब से इनको बहुत पावरफुल दिखाना था, इस वजह से हमने इसको लो एंगल में क्लिक किया गया है, इस पिक्चर को लो एंगल शॉट। इसके इसके अलावा हाई एंगल भी एक शॉट होता है, सॉरी इसमें मैंने नहीं वो लिखा है, हाई एंगल होता है। हाई एंगल में क्या होता है कि हम अगर कैमरा का जो पोजिशनिंग है वो ऊपर से थोड़ा सा लेते हैं, और सपोज आपने कई बार जगह पिक्चर्स देखी होंगी, अब इसमें से अगर यही जो आपके घर घरों में अगर कैलेंडर होगा आप देखना, बच्चा है उसको मोदी जी खाना खिला रहे हैं, तो अगर मोदी जी के पीछे से कोई बंदा अगर कैप्चर कर रहा है, कोई इंसान कैप्चर कर रहा है पिक को, तो वो बच्चे को खिला रहे, तो वो एक दया भाव करुणा दिखाने के लिए हम उस चीज को जो है लो एंगल की जगह थोड़ा सा हाई एंगल से उस चीज को दिखाएंगे, उस चीज को। या अगर हम सपोज किसी को कोई दान दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो वो ऊपर से दिखाएंगे कि वो इंसान नीचे है, किसी को कमजोर कमजोर दिखाना है या उसकी इमेज थोड़ी कम दिखानी है, तो उसको हमेशा ऊपर से आप फोटो क्लिक करेंगे उनकी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे या वीडियो पे वो लो दिखेगी। ये शॉट को लेने के तरीके हैं कि हमको किस किस तरीके से शॉट्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लेना है। इसके अलावा एक और कैमरा एंगल जो है कि जो आता है जो है डच एंगल। डच एंगल मुझे लगता है शायद सबके लिए थोड़ा सा नया होगा इसमें, कि डच एंगल क्या होता है। डच एंगल हम अगर देखा जाए मतलब कि ये तो मैं एक मूवी सीक्वेंस के हिसाब से बता रही हूँ, जैसे हॉरेबल मूवीज, और आपने देखा होगा क्राइम शो देखे होंगे, सीआईडी, और कोई भी आपने देखे होंगे आहट, मतलब आप लोगों ने कोई शो देखे होंगे ऐसे। इसमें क्या होता है डच एंगल क्या होता है, हम जो है मेन जो जो कैरेक्टर है हम उसको कैप्चर ना करते हैं, उसकी शेडो को कैप्चर करते हैं। तो इसमें हमने लाइट जो है एक साइड से रखेंगे हमेशा, आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं यूज, वन साइडेड लाइट अपने घर में करिए, और जो जो भी इमेज या शेडो बन रही है हम शेडो को कैप्चर करना, या फिर हम कह सकते हैं जैसे शेडो पपेट और वो सब बनाते हैं हम, उस चीज को भी अगर हम कैप्चर कर रहे हैं तो वो भी डच एंगल कहता है, जिसमें कि हम इंसान को ना कैप्चर करते हो, उसकी शेडो को कैप्चर करें और बताएं कि हाँ ये मतलब कोई है इंसान, ये एक कैरेक्टर है, बट वो रिवील नहीं हो रहा है अभी, तो तब हमें ये डच एंगल लेना होता है। हमें अगर सस्पेंस बना के रखना है थ्रू आउट कि अभी मतलब सस्पेंस बना हुआ है कि हमें पता ही नहीं चल रहा लास्ट तक कि कौन है कैरेक्टर, तो ये हम डच एंगल शॉट इसमें लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैमरा के मूवमेंट्स तो मुझे लगता है सबको शायद पता ही होंगी कि पैन करना कैमरा को हॉरिजॉन्टली मूव करना, किस तरीके से धीरे 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 मूव करना, बट उसी जगह में। बट अगर हम कैमरा मूवमेंट अगर एक फिल्म के लिए कर रहे हैं और कोई रनिंग में, तो हमारे जो भी ट्राईपॉड और जो भी कैमरा को जिसमें हमने होल्ड करते हैं, जिसको हम फिक्स करते हैं, वो चीजें इक्विपमेंट चेंज हो जाती है। तो प्री प्रोडक्शन में हमें ये भी चीजें फाइनलाइज करनी पड़ती है कि हमें जो भी शॉट जो है वो कैसे लेना है। कोई दौड़ रहा है तो हमें फिर ट्राईपॉड नहीं चाहिए, हमें हमारी डॉली से काम चल जाएगा तो हम डॉली से लेंगे, क्योंकि कैमरा में एक बार फ्रेम सेट हो जाता है तो उसके बाद उस चीज को मतलब चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैमरा मोमेंट के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो फिक्स है और थोड़ा सा ही मोमेंट होना है एक ही जगह में, थोड़ा सा वॉक है, तो हम पैन कर देते हैं। आपने देखा होगा 100 बात की 1 बात आज तक पे आता है, या रात को जो भी शो चलते हैं आप उसमें देखिएगा कि एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो या वॉक करते हुए एंकर जो है वो चेंज करते हैं, तो वो पैन होता है सिर्फ कैमरा, उसमें कुछ कुछ चीजों में चीजें कैमरा मूवमेंट को चेंज करने के लिए थोड़ा सा पैन कर देते हैं हम, चीजों को मूव कर देना थोड़ा सा बस। इसके अलावा आपका आता है टिल्ट अप टिल्ट डाउन, कैमरा को टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना, जिससे कि पता चले कि कितना ऊपर नीचे हमें अपने फ्रेम को सेट करना है कैमरा मूवमेंट के हिसाब से। वैसे ही फोन पे भी होता है, हम फोन पे भी अगर पिक्चर हम क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि सर ने मुझे बोला, भूपेंद्र सर ने बोला था, क्वेश्चन बोला था कि मतलब हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, फोन पे हमारे सब कुछ है और हम फोन पे सब चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स कुछ भी इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो टिल्ट अप टिल्ट डाउन से हमें फ्रेम का पता चल जाता है कि थोड़ा कि हमें अपना टिल्ट अप, इसमें आपका हाथ ही हो गया, आपने हाथ में अगर फोन पकड़ा है तो आप थोड़ा नीचे करेंगे, टिल्ट अप करेंगे तो ऊपर करेंगे, और टिल्ट डाउन करेंगे तो नीचे करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे फ्रेम जो है पर्टिकुलरली अगर एक इंसान को ले रहे हैं तो सेंटर में आए, ठीक है। तो पिक्चर की कॉम्पोजिशन हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो टिल्ट अप टिल्ट डाउन हो गया।
इसके अलावा कैमरा मूवमेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि डॉली शॉट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से जो चीजें होती हैं, एरियल शॉट के लिए जैसे कि आजकल बहुत सारी चीजें यूज हो रही है एरियल शॉट के लिए, आपके ड्रोन यूज हो रहे हैं, जूम इन जूम आउट, ये तो कैमरा मूवमेंट्स में सबको पता ही है। सपोज किसी चीज की हमें एंट्री दिखाना है तो हम क्या क्या धीरे 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 रूम में एंट्री दिखा रहे हैं, तो हम कैमरा मूवमेंट से उसको जूम करते हुए धीरे 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 दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम अपनी एक सिंपल कैम मतलब कोई से भी कैमरा से या फोन के कैमरा से भी हम धीरे 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 जूम जूम करते हुए अंदर जा सकते हैं। आप शोज में भी देखते हैं बहुत ही सिंपल शो होते हैं, कुछ भी चीज होती है, बट कैमरा के अंदर का मूवमेंट्स और एंगल चेंज हो जाए तो बहुत डिफरेंट टाइप के शॉट्स आएंगे, और जिससे कि हमारी जो भी मूवी या जो भी हम चीज प्रोडक्ट बन जो भी चीज हम बना रहे हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को मेरा सेशन सही लगा होगा। तो सर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। इसको बंद कर दूँ, कोई इशू हो जा रहा है वो आप नहीं कर रहे। मैम एक सवाल है मेरा, मैं हाँ अजय जी, कुमार झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैम आपने जितने शॉट दिखाए वहाँ यहाँ पे अभी, हाँ वो जी, सारे हमें लगा कि सारे कैमरा से, अच्छे कैमरा से वो शूट किए हुए शॉट है या पिक्चर के हैं? क्योंकि हाँ जी सर, सर ये तो मैम पिक्चर के जब, हैं। हाँ जी सर, ये पिक्चर के हाँ लिए रेफरेंस के बिल्कुल लिए बिल्कुल मैम, तो हम ली। लोग ये जैसे कुछ जो आपने एंगल की बात की कि किस एंगल से कौन से शॉट, अगर वो मोबाइल के कुछ शॉट हो जो हम ट्राई करें कि उस एंगल से उसको लेना चाहे, तो वो अगर कोई शॉट हो या उसका कोई टेक्निक हो तो शायद उसको अगर थोड़ा सर आप मैं एक्सप्लेन कर। जी इसीलिए मैं जी साथ में डिस्कस कर रही थी कि मोबाइल का जो है हम अपने मोबाइल से भी ये चीजें कैप्चर कर सकते हैं। सपोज आपको टॉप एंगल चाहिए, ठीक है, बहुत वो एक्सट्रीम लॉन्ग चाहिए, तो मैंने आपको बताया आप अपने मोबाइल से, और आप अगर इंडिया गेट के सामने खड़े हैं तो आप राजपथ की तरफ थोड़ा सा चलिए और दूर से इंडिया गेट को कैप्चर करिए, वो आपका एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट कहलाएगा। बट जैसे जैसे आप इंडिया गेट के पास आ जाएंगे वो आपको क्लोजअप कहलाएगा, जिसमें आप सिर्फ इंडिया गेट को ही दिखा रहे हैं और किसी चीज को नहीं दिखा रहे, क्योंकि इंडिया गेट तो और काफी बड़ा है हाइट वाइज, तो आपने सिर्फ उसको कैप्चर किया तो वो ही उसका क्लोजअप है, और एक्सट्रीम लॉन्ग उसका वो है जिसमें आप दूर चले गए और दूर से उसके अलावा उसके आसपास की भीड़ को भी दिखा रहे हैं, जिससे आप पिक्चर क्लियर होती है कि हम इंडिया गेट में हैं और इंडिया गेट में इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हम तब लेंगे जब हमें क्राउड दिखाना है, हमें मेला दिखाना है, तो मेले के लिए हम दूर जाके कहीं से भी उस भीड़ को कैप्चर करेंगे, वो उसका एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होगा किसी भी चीज को दिखाना। आप इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, जब हम कोई रैली वगैरह की बात करते हैं तो एंकर तो बात करती रहती है, ठीक है, उनके सामने भी कैमरा होता है, बट उसी का एक एक्सट्रीम जो है लॉन्ग शॉट दिखाया जाता है कि जिससे पूरा जनसमूह दिखता है, पूरी भीड़ दिखती है, जिसमें पता चलता है कि कितने लोग हैं। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट का यूज है आप अपने मोबाइल से, छत से, जैसे आपके घर के आसपास दशहरा फंक्शन होगा, आप जी दशहरा फंक्शन में जा रहे हैं, आप पूरी भीड़ को कैप्चर कर रहे हैं किसी घर की छत से, तो वो जी आपका एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हो गया, वो आपका फोन ही है, आपने कोई और चीज एक्स्ट्रा कुछ नहीं कैप्चर लिया साथ में। मोबाइल्स आज के मैम टाइम पे क्वेश्चन बहुत। हाँ जी मैम, क्वालिटी क्वेश्चन ये है मैम कि क्या ऐसा कोई डिफरेंस हो जाते हैं मैम। एग्जांपल है अपने पास अभी जो फोन से लिए हुए फोटोशॉट? नहीं सर, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है ऐसा शेयर करने के लिए। क्वालिटी डिफरेंस मैम, लगता है कि क्वालिटी डिफरेंस आता है। नहीं सर, क्वालिटी डिफरेंस आज के टाइम पे तो लगभग सारे फोन्स के, आप ये देखिए एनडीटीवी में जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो सारी मोबाइल जर्नलिज्म बेस्ड हो गई थी, मोजो पे चल रही थी बीच में, अब जाके वहां पे थोड़े बहुत कैमरा पर्सन हैं, बीच जी मैम में कंप्लीटली मोबाइल पे थी। तो आपको सोचिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और सबका ऐसा नहीं कि सबके पास आईफोन हो, आईफोन नहीं थे, बेसिक फोन थे जो रियलमी और इन सबके हैं, और उनसे उन्होंने, और बाद में शायद मोटोरोला ने या सैमसंग ने उनको स्पॉन्सर भी किया था, और उन्होंने जी उसी पे सारा सब चीजें कैप्चर की थी, और सोचिए हम लोग के घर तक वही विजुअल आ रहे थे, तो हमको कहीं विजुअल में कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा जो हमने एनडीटीवी में देखा है ना। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया एनडीटीवी ने कि हमको जब वो विजुअल दिखे जो स्क्रीन पे इतने लोगों ने देखा, इतनी मास मीडिया ने देखा, तो वो कितने इम्पैक्टफुल थे, कहीं से भी उसमें कोई पिक्सलेट नहीं हुई इमेज, सब चीजें क्लियर है। तो हम अपने फोन से भी पिक्चर की जो है क्लिक कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइट का अमाउंट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें लाइट प्रॉपर मिल पाए और हमें किस चीज का क्या शॉट्स लेना है। सर इसी के लिए मैं छोटा सा एक आपको मतलब एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने साथ घर पे एक तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के जो भी आप कमर्शियल देखे उसके अंदर आप शॉर्ट की वेरिएशन निकालें कि एक कमर्शियल अगर चल रहा है तो उसमें कितने शॉर्ट, जो इतने शॉर्ट्स मैंने आपको दिखाए उसमें से कम 3 तो उसमें होंगे और एंगल्स भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। जैसे कि अजय सर बैठा है सामने बैठे हुए, तो आई लेवल पे हमारा शॉट, आई लेवल पे हमारा बन रहा है ना शॉट,
अगर इसी चीज को अगर हम लो हाई ये सब चीजें भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वही चीजें कि हमको उस चीज को किस तरह से पोर्ट्रेट करना है, किस तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाना है, ये एक मतलब प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता है कि मुझे ये इस तरीके से दिखाना है। सेम सेम आई लेवल पे अगर सिंपल फोटो खींच रहे हैं तो वो इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम पिक्चर को क्लिक करेंगे, मिड जी शॉट। तो मैम, कई बार क्या होता है कि जैसे अब बर्ड आई व्यू शॉट लेना हाँ जी है या हाँ जी एरियल व्यू शॉट लेना है, हमारे पास तो ड्रोन है नहीं, तो वो नहीं, शॉट तो हम ले नहीं पाएंगे। इसलिए सर मैंने तो एग्जाम्पल दिया आपको कि हाँ आप देखिए उसी के एग्जाम्पल है ये कि मैंने पहले तो बता दिया कि उसके लिए ड्रोन होते हैं, बर्ड आई व्यू और इन सब चीज के लिए। बट फिर आप अपने घर के पास कोई भी दशहरा फंक्शन हो रहा है उसके आसपास किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ के, आप हाँ किसी एक बिल्डिंग पिक्चर पे को चढ़ के किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ के आप उस पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं, हर चीज का विकल्प है। जी आप उस जी किसी बिल्डिंग पे चढ़ के अगर पिक्चर क्लिक करेंगे उसमें आप पूरी भीड़ दिखा रहे हैं, पूरा मेला दिख रहा है आपका, जो भी इवेंट चल रहा है पूरा दिख रहा है अगर, तो आप वो मान के चलिए आपका वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। हाँ, वो सिचुएशन उस तरह का मिल जाए तो अच्छा है। हो सकता है वहाँ कोई बिल्डिंग ना हो, मैदान में कुछ हो रहा है तो पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा नहीं, कुछ अभी आप देखिए जैसे कि बाला साहब ठाकरे जी का जब निधन हुआ था तो मुंबई में सारी जगह में जो है पूरी भीड़ जनसमूह जुड़ता जा रहा था, उसमें सारे शॉट जो थे वो लॉन्ग शॉट नहीं थे, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट थे, क्योंकि हमें भीड़ दिखानी है न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो उसमें वो पूरी भीड़ दिखाने के लिए क्या था, रिपोर्टर्स अलग अलग छतों पे ही थे, एक रिपोर्टर एक छत पे है वो कैप्चर कर रहा है, जितना उसके कैमरा पे कैप्चर हो रहा है वहां तक आ रहा है, तब तक दूसरा इंसान पोजीशन अपनी आगे आगे बिल्डिंग पे ले, यही काम पोस्ट आपका प्री प्रोडक्शन में डिसाइड हो जाता है। बट अगर कोई इंस्टेंट कोई न्यूज आ रही है तो फिर वो जो है नहीं, फिल्म जो ये प्रोडक्शन या डॉली टीवी शॉट है, डॉली टीवी शॉट क्या प्रोडक्शन। है, हाँ जी सर, डॉली शॉट अभी आपने बताया ना, लेकिन सिर्फ बतला के छोड़ दिया। नहीं डॉली जो है एक जैसे मैंने बताया कि अलग अलग ट्राईपॉड हम लेते हैं, ट्राईपॉड होता है जिसमें कैमरा हम फिक्स करते हैं, तो डॉली जो होता है वो मूविंग शॉट जो फिल्म मेकिंग के लिए जाता है जिसमें हम व्हील्स होते हैं और वो मूव हो सकती है डॉली। तो जैसे कोई है क्या, पिक्चर है या कोई ऐसा कुछ है क्या? अगर आप कोई भी गाने का शूट और सीक्वेंस देखते हैं, अगर आप कोई भी गाने का, ठीक है, उसमें तो कैरेक्टर तो डांस कर रहे हैं पर उसके आसपास ट्रैक बिछा होता है, उसमें वो मूव हो रही होती है वो डॉली, ताकि जो है पूरे तरीके से वो राउंड होकर पूरा कैप्चर हो पाए चीजें, तो शॉर्ट की नहीं वेरिएशन होती है मैम, इसमें। टीवी प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शंस के बारे में तो बहुत अवेयर हूँ, बिकॉज माय ब्रदर इज सिनेमाटोग्राफर इन मुंबई एंड बहुत सारे टीवी सीरियल्स को लाइव शूटिंग वगैरह देख चुका हूँ, और फैमिली में भी कैमरा और ये सब। लेकिन हमारा जो नीड है, हम ये सब जो सीख रहे हैं, हम जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम अपने को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए? ये जैसे मतलब हमें तो कोई फिल्म प्रोड्यूसर तो बनना नहीं है, या फिर हमको मतलब जो हम वीडियो बनाएंगे, जो हम करेंगे, वो हमारे नीड के हिसाब से कुछ चीजें भी अगर आप बता सके तो। सर आप अपने फोन से सिंपल से जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है ये मैं सही इसी चीज की आप पिक्चर क्लिक कीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जी जी फोन से मैं इसे दिखा रही हूँ, ठीक है, लॉन्ग हाँ 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 शॉट एक्सट्रीम हो गए इस पेड़ के हिसाब से एक्सट्रीम, फिर ये अलग फिर ये अलग, ये शॉर्ट वेरिएशन अलग है ये अलग है, और अगर मैं इसकी लीफ और क्लोजअप कर रही हूँ आप देखिए तो इसकी डिटेलिंग आ रही है, ठीक है। तो हमें अगर कोई प्रोडक्ट दिखाना है, अगर मैं मुझे हमें बच्चों के लिए कोई चीज एग्जाम्पल कुछ करके दिखाना है, सपोज मुझे बच्चों को वेट की वेट स्केल के बारे में बताना है बच्चों को, तो मुझे क्लोजअप शॉट चाहिए ताकि वेट के बारे में बच्चों को पता चले, है ना। तो हम ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल से कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी हो चुका है सब चीजें मोबाइल से, यहाँ पे बहुत सारे नहीं, लोग कई 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 मोबाइल बार से लक क्रिएट करते कई कई बार लकीली बहुत चीजें बहुत अच्छे से सूट हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता है कि ये वाली चीज इतनी अच्छी आ जाएगी। तो हैं। मतलब विदाउट नोइंग एनी, विदाउट एनी स्टडी, जस्ट वी क्लिक एंड वी फाइंड दैट वाओ, दिस वीडियो इज वेरी नाइस, इसमें इफेक्ट बहुत अच्छे आ गए। अब वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसमें लाइटिंग अच्छी थी सर या कोई। हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस के ऊपर है कि जी आप अब जो जितने मैंने आपको शॉर्ट वेरिएशन बताई आप उस तरीके से एक ही चीज एक ही ऑब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक करके देखिएगा, या किसी में सपोज आप अपने घर में किसी बच्चे को खड़ा कर दीजिए और उसी की पिक्चर दूर से पास से लो एंगल हाई एंगल
जितने मैंने आपको बताया उतना आप क्लिक करके देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा इनमें से मेरे मेरा बेस्ट शॉट क्या है। आपको ये क्लिक समझ में आ जाएगा कि मेरा, मैंने जो भी पिक्चर क्लिक की ये जो अलग अलग एंगल से, ठीक है, घर पे तो हम बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं, अगर कोई डाइनिंग टेबल में बैठे हैं खाना खा रहे हैं, आप पीछे को चेयर लगा के भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर उन एंगल्स की हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, वो कैरेक्टर किस तरीके से दिख रहा है। जैसे कि मैंने जी आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि अभी वो जो टेबल्स में बैठे थे और अपना फॉर्म फिल कर रहे थे, टॉप एंगल वाला शॉट, उसको हम किसी के ओवर द शोल्डर शॉट भी ले सकते थे, कंधे जी के, जैसे दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो ओवर द शोल्डर शॉट भी होता है कि कंधे के पीछे से किसी से बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं रेफरेंस के लिए कि हम दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी लिया जा सकता है, बट उसमें सिर्फ दो ही लोग दिखते हैं, बट सब लोगों को दिखाना था तो इसीलिए हमने उसको टॉप एंगल में लिया। तो आप भी अगर घर में अगर 5-7 जो चीजें हैं, मतलब फोटो क्लिक करेंगे एक ही चीज के, जैसे कि मैंने अभी पेड़ पौधा दिखाया छोटा सा मनी प्लांट का, अगर इसके डिटेलिंग में जाना है, अगर हमको लीव के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ठीक है, तो उसको बहुत क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप में उस लीव की फोटो, मतलब जो है पिक्चर को क्लिक करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें प्लांट के बारे में बताना है, रूट शूट स्टेम, तो हमें ये पूरा दिखाना पड़ेगा। तो शॉर्ट जी वेरिएशन अपने आप चेंज हो गई, सिंपल प्लांट में भी साइंस के अंदर हाँ हाँ होता है, सब बच्चों के पास है, रूट शूट स्टेम, है ना। तो हम इसमें अलग अलग इमेजेस को डालेंगे ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए, है ना। जी तो ये सब चीजें हैं, और आजकल तो बहुत सारी चीजें आ रही है, आप गिम्बल यूज कर रहे हैं, गोप्रो यूज कर रहे हैं, ज्यादातर राइडर यूज करते हैं और गिम्बल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो है हाथ ज्यादा हिले ना, शेक ना, और हम अपना जी फाइल उस पर फिक्स करके और अपना शूट कर सके। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनडीटीवी में पूरा मोजो से हुआ था, पूरा उन लोगों ने मोबाइल जर्नलिज्म ही किया था, और कहीं भी शूट उन्होंने कैमरा यूज किया ही नहीं था, सिवाय स्टूडियो का उनका होता था, बट मैक्सिमम आउटडोर में जितने रिपोर्टर्स थे उन लोगों ने फोन से ही शूट किया। तो फोन जो है बहुत ही अच्छा, उससे भी रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं है आप 1 मिनट की रिकॉर्डिंग या 2 मिनट की रिकॉर्डिंग आप कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स और एंगल्स के हेल्प से, जो भी हम लोगों ने जी डिस्कस किए हैं सर उनसे, तो मुझे लगता है काफी चेंज आ जाएगा चीजों में और अच्छा वीडियो जी बन के निकलेगा सर। थैंक यू मैम। इस मेरा एक वीडियो सुझाव है मैडम। हाँ, मेरा एक सुझाव है इसमें। हाँ जी सर, जैसे कि आज सबके पास मोबाइल होता है, और अगर आप स्कूल स्कूल की बात करें तो हर एक स्टाफ के पास मोबाइल होता है। अगर एक ही कंपनी के अगर दो तीन मोबाइल्स है, तीन मोबाइल्स है, तो हम तीन मोबाइल्स का इस्तेमाल करके भी अलग अलग एंगल से, एंगल को उसको सेट करके शूटिंग अगर करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, वो सॉल्व हो सकता है। हाँ जी क्योंकि जैसे सर, आपने एनडीटीवी की बात की थी, वैसे ही अगर हम उसी उसी फॉर्मूला को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये इश्यू सॉल्व हो सकता है। पहला, एक मतलब तीन कैमरा हम इस्तेमाल करते हैं, एक क्लोजअप के लिए, एक मास्टर के लिए, इसमें एक एक चीज मिड जरूर शॉट के ध्यान लिए। रखिएगा, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हाँ जिससे भी आप मास्टर शॉट बनाएं, अगर दो लोग हैं वो बात कर रहे हैं और आप एक मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो के लिए जो अपना ईपीए जो लगाएंगे वो मास्टर फ्रेम से लगाइएगा, उससे क्या है हर सही बात है, किसी सही को बात भी है, सही डिस्टर्ब बात है, ना सही हो, एक मास्टर पे अच्छे से बात ऑडियो है। हाँ, रिकॉर्ड हो जाए, तो वो बहुत इम्पैक्ट, वही मोबाइल से सब चीजें शूट हो जाती है। कोई लगभग ब्लॉगर जो है आज देखिए घर घर में ब्लॉगर है, क्यों है, मोबाइल की वजह से हर किसी इतने सही कंफर्टेबल तो बात है। नहीं कि सब लोग अफोर्ड कर पाए कैमरा और लाइट। ये जो हमारे घर में जो लाइट है इसका भी प्रोपोर्शन हमें, अगर हम व्हाइट लाइट, जो कूल लाइट और येलो लाइट दोनों को इक्वली हम ऑन करके रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा आपका लुक आएगा और अच्छे से कैप्चर होंगे पिक्चर्स, क्योंकि सबके पास और आज के टाइम वाइट बैलेंस का ऑप्शन आजकल सारे कैमरास के, सॉरी, हाँ मोबाइल जी कैमरास में आ चुका है, सब में वाइट आ चुका बैलेंस है। आ गया है और ऐसा कोई इश्यू नहीं है, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है, अब कोई इतना इश्यू नहीं रह गया कि पहले होता था बाहर धूप में गए तो इमेज ब्लैक आ रही है, अब ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसमें, तो मोबाइल से भी हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और अब सर जुड़ चुके हैं, तो सर आप एक बारी, आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा, तो जो बताया गया बाकी सर बताएंगे। नहीं, यदि आपके कोई और क्वेरी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारी क्वेरीज तो सीमा जी ने सॉल्व कर दी हैं आपकी। मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? नहीं, मैं तो मैं सुन जैसा देखूं,
अच्छा, ओके। अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो हाँ, सर एक एंगल का नाम डच एंगल क्यों रखे हैं, कुछ खास बात है क्या? इसका हाँ, क्योंकि हाँ ये सिंपल है। जो हाँ आप बताइए। ये डच एंगल इसलिए किया गया था क्योंकि डच से ही ओरिजिन हुआ है इसका, क्योंकि डच एंगल जो वहीं से ओरिजिन हुआ है, क्योंकि वो पहले ऐसे शेडो पपेट टाइप जैसे यहाँ पे होता था उसी तरीके का वहां पे भी होता था, तो उन्होंने वहां से ये आया कि हम मतलब पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट को कैप्चर ना करते हुए उसके उसकी शेडो को कैप्चर करें, तो उसको डच एंगल नाम दिया गया सर। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, बट मैंने लिमिटेड इसमें रखे हैं जो हम अमूमन यूज करते हैं इसलिए यूज किए हैं। ऐसे एक सल्यूट शॉट भी है जिसमें कि हम स्काई और लैंड दोनों के बीच का रहते हैं, जैसे हम क्षितिज कह सकते हैं इधर से जहां आसमान हो रहे थे, इस तरीके के जो शॉट्स बनते हैं किसी पर्टिकुलरली कोई बिल्डिंग और स्काई दोनों को हम ले रहे हैं वो सल्यूट शॉट में आता है। तो मैं उतनी डिटेलिंग में जाना सही नहीं है अभी, जो हमारा इसमें काम आ सकता है हमने मैंने उतना ही कैप्चर किया। थैंक यू मैम। पहले फ्रेमिंग करना जरूरी है या फ्रेमिंग किस तरीके से होना चाहिए, ये प्री प्रोडक्शन में हम तय कर सकते हैं? सवाल क्लियर नहीं था मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? तो आई थिंक अभी कोई सवाल नहीं, कोई क्वेरी नहीं है, तो मैं ना फॉर्मल थैंक्स करना चाहती हूँ प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी का और सीमा भारद्वाज मैम जी का। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सेशन लिया वीडियो रिसोर्सेज पे और बहुत ही डिटेल्ड आपने हमको इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की कि वीडियो रिसोर्सेज क्या है और कैसे बनाई जाती हैं, और मैम ने जो डिफरेंट एंगल्स के शॉर्ट्स हमारे साथ इनकी इन्फॉर्मेशन हमें बताई कि क्या होते हैं ये लॉन्ग शॉर्ट्स और शॉर्ट शॉर्ट्स, और मैम ने काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दी, तो मुझे लगता है कि हम लोग को सभी को थोड़ा सा ओरिएंटेशन तो हुआ होगा जरूर कि वीडियो रिसोर्सेज क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं, और सीआईटी जो है लगातार काम कर रहा है वीडियो रिसोर्सेज क्रिएट करने में, और हम सब लोग हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सेशंस के बाद आप भी कोशिश करें कि वीडियो रिसोर्स या ऑडियो रिसोर्सेज जिनके सेशंस आज हमने कवर करें उस पर छोटी छोटी रिसोर्सेज आप डेवलप करें और हमारे साथ शेयर करें। आप ये अपने असाइनमेंट में भी ये वर्क ले सकते हैं कि इन रिसोर्सेज को आप डेवलप करें किसी भी टूल से जिससे आप कंफर्टेबल हो। हम लोग यहाँ वैसे टूल शेयर कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आईसीटी टूल्स अवेलेबल हैं ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, तो आप छोटी छोटी रिसोर्सेज बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। तो सर पाल सर और शिवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, तो अभी हम ब्रेक करते हैं।